नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। बीते दिनों से दिल्ली में लगातार झमाझम मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसमें देखा गया कि यमुना का जलस्तर जो है वो वार्निंग जो होती है उससे भी खतरे के निशान से भी ज्यादा आगे बढ़ गया। और उसके बाद देखा गया प्रशासन अभी भी इतना मुस्तैद दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अरविंद केजरीवाल यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है राज्यपाल जो है बड़ी फटकार यहां पर जो है पूरा अधिकारी जो है जो बड़े अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी के डीडीए के और जो बाढ़ नियंत्रण में काम आते हैं उनको बड़ी फटकार लगाई कि यहां पे अधिकारी सही से काम नहीं कर रहे, जिसका खामियाजा यहां पर जो है जो लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं उनको करना पड़ रहा है। और कई तस्वीरें जो है सामने बाहर आई जहां पे वजीराबाद या आसपास जो यमुना का जो फ्रंट है जो यमुना रिवर का फ्रंट व्यू है वहां पर देखा गया कि बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई तस्वीरें लगातार आ रही हैं जहां पे लोग जूझ रहे हैं, विस्थापन तक की जो है समस्या यहां पर जो है लोगों के सामने खड़ी हो गई है। लेकिन क्या हो रहा है, यहां पर विवाद चल रहा है, राज्यपाल केजरीवाल को कुछ कहते हैं तो केजरीवाल राज्यपाल को कुछ कहते हैं, जहां पर जो है पूरे प्रशासन को मिलकर लोगों की मदद करनी थी, उनका रेस्क्यू करना था, लेकिन देखा जा रहा है कि यहां पर लगातार यहाँ पे लोगों की मुश्किल तो बढ़ती जा रही है लेकिन सरकार उसके ऊपर कुछ एक्शन लेती हुई नजर आ रही। बस देखा जा रहा है कि पीसी करके फेवर जो है लोगों का लूटा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर काम लोगों के लिए नहीं हो रहा है। और लगातार यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है फोन करके जो दिल्ली में बाढ़ आई है उसको लेकर पूरे हालात का जायजा लिया और कहा, आश्वासन दिया कि इसके ऊपर दिल्ली सरकार को काम करना होगा और अगर कुछ भी मदद होती है तो केंद्र सरकार करेगी। लेकिन देखा जा रहा है लगातार इसी अपवाद के बीच दिल्ली के लोग जो है बाढ़ में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कई मंदिर यहाँ बह गए, कई गाड़ियां बह गई, कई लोग के घरों में पानी घुस गया और लगातार समस्या बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वाद विवाद के अलावा कुछ और कार्रवाई देखने को मिल नहीं रही है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।